माशाल्लाह मार्केट्स इज रेडी, बस चलते हैं सीधा नथिया गली। मुझे डाउट पड़ रहा है कि मार्केट्स ने एवरेज बहुत ही गंदी दी होगी। अभी एग्जैक्टली कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं और 7 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं और कुछ ज़रूरी काम थे वो किए हैं, वो निपटाए हैं। और अब सीन ये है कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी जर्नी टूवर्ड्स नथिया गली। और यहाँ पर पता नहीं है क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या हुआ, चप्पलें पहनने लगे। ओके, सीन ये है कि यार अभी हमने कुछ खाना है, भूख बहुत सख्त लगी है, उसके अलावा पेट्रोल भरवाना है और फिर नथिया गली की जानिब जो है अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह मार्केट्स इज रेडी, बस चलते हैं सीधा नथिया गली। डाउट पड़ रहा है कि मार्केट्स ने एवरेज बहुत ही गंदी दी होगी। मेरा ख्याल है 10-11 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दी है मार्केट्स ने। अभी एग्जैक्टली कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। 9800 का पूरा कर दें। चलें जी, 46.59 लीटर। असद भाई आप डिवाइड करें। 469.4 डिवाइडेड बाय 46.59 टोल्ड यू 10-11 किलोमीटर दी होगी। ओके बॉयज, आपके सामने सूरतेहाल। मार्केट्स ने हमें ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिया है लॉन्ग रूट पे, और हमने खड़ी गाड़ी में भी एसी चलाया है नो डाउट, लेकिन फिर भी बहुत गंदी एवरेज है भैया लॉन्ग रूट पे इतनी। और मस्ती ही हमने अलग की है, वो मैंने आपको बताया, मस्ती के तो सारे पैसे ही मस्ती के। अभी हमने पेट्रोल फुल करवा ली है और अब टायर प्रेशर चेक करवा रहे हैं। टायर प्रेशर भी सही होना चाहिए क्योंकि हिली एरियाज में जाने लगे हैं, और अब असल मज़ा आएगा, असल जो इंजॉय करने वाला टाइम आया वो अब आया। वैसे कल रात भी बहुत शुगर लगा था, लेट सोए थे, लेट ही उठे हैं और इसीलिए लेट ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बॉयज़, अभी हमने सफ़र स्टार्ट कर लिया टूवर्ड्स नथिया गली, लेकिन उससे पहले हमने करना है खाना खाना है, भूख बहुत सख्त लगी हुई है। क्या बॉयज़ क्या खाना है? पिज्ज़ा जो सब का ब्रो। ओए बड़ापन दिखाया। फाइनली डिसाइड ही होगा कि हम KFC खाने वाले हैं। चलो यार। अच्छा यार इधर ये डाइन इन नहीं था तो हमें ये टेक अवे करवाना पड़ गया। नहीं नहीं वो कह रहे हैं बाहर खड़े पे। कितने पीस चिकन है? ये है 900। अगर डाइन इन नहीं है तो क्या होगा, मार्केट्स की डिगी कब काम आएगी? डाइन इन नॉट अलाउड। अलाउड नहीं मतलब है नहीं, वो टेक आउट डिलीवरी उन्होंने लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा नहीं था। खाना पीना हो गया, लेट्स गो। जी भी एक्साइटमेंट है यार, नथिया इतनी दफा हो के आया हूँ मैं, मरी इतनी दफा गया हुआ हूँ, फिर भी एक नई एक्साइटमेंट होती है। ये परफ्यूम किसने किया है अंदर? बॉयज ये मरी के रास्ते पे तकरीबन हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे आगे जाके, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर है हम एक्सप्रेस वे से, और ये सारी ट्रैफिक आप देख सकते हो सारी तकरीबन मरी वाली साइड की है। तो हम बड़े अच्छे रह गए हैं जो हम संडे नाइट को जा रहे हैं और ये सारी ट्रैफिक से हम बच जाएंगे। असल मज़ा ही है नथिया गली का तब आता है जब ज़्यादा रश ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है यार, बड़े अमेजिंग कट्स हैं यहाँ पे। हमारे पास अगर हाइड्रोलिक ब्रेक लगी होती गाड़ी में और साथ पिछला डिफरेंशियल होता हमारे पास LSD, तो हम यहाँ पे ड्रिफ्टें मारते, आपको नज़र आ रहे होते। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी हरकत नहीं करेंगे, बुरी बात होती है, हमें करनी नहीं आती। 45 मिनट्स हो गए हैं हम एक्सप्रेस वे पे इस वक्त, और मार्केट्स का ही पैसे पूरे पप्पू मार्केट्स होगी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़े से काम रह गए लेकिन वो भी हो जाएंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। वी हैव क्रॉस्ड पट्रियाटा और रस्ते में, और मार्केट्स क्या चस्क करवा रही है मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह मेरे पैसे पूरे हो रहे हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ वो है इसके अंदर ट्रैक्शन। जब आप टर्न्स ले रहे होते हो, अब शार्प टर्न्स होते हैं,
तो डर यही लगता है कि यार आप गलती से अगर ज्यादा एक्सीलरेटर दे दो तो पीछे से टेल मार के तो घूम सकती है गाड़ी, ये सिर्फ डर है, बाकी बहुत मजे का कंट्रोल है गाड़ी का, इतना एंजॉय कर रहा हूँ मैं सड़क पे माशाल्लाह। मेरे पैसे जो है ना पूरे कर रही है मार्केट, जो मेरा खर्चा इसने 2-2.5 लाख रुपए अभी तक करवा दिया ना, वो मेरा जो है ना पूरा शौक मेरा कर रही है ये गाड़ी। हम लोग ने बड़ा अच्छा किया कि हम लोग जो है वो संडे को निकले हैं फॉर नथिया गली। बेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि रास्ते में आपको मैंने दिखाया था रश बहुत ज़्यादा था, नथिया गली से आने वाली जो वापसी की ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, और अभी हमें रास्ते में भी बहुत कम ट्रैफिक मिल रही है और होपफुली ऊपर जाके भी ट्रैफिक कम होगी, ऊपर आई मीन नथिया गली में, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आप निकले हो ना इन्जॉय करने, और रश ज़्यादा हो ट्रैफिक ज़्यादा हो तो आपको मज़ा भी नहीं आता। ऊपर है जी, यही है वो बाय बोर्ड भी लगा हुआ है, लोकेशन देखना आगे या पीछे है, मैं शीशे ऊपर कर लूं बांदर ही ना पड़ती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा अपार्टमेंट, नहीं कमरा, मुझे लग रहा था अपार्टमेंट है जी। तो भैया सीन ये है कि हम 8 बजे इस्लामाबाद से निकले थे और इस वक्त ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए हैं, बैग सेट किए हैं, कमरे में कमरा आप लोगों ने देख लिया है, अच्छा कमरा है, साफ़ सुथरा कमरा है, और जिस जगह पे हम आज रात स्टे कर रहे हैं इस जगह का नाम है दी हॉलीडे होम्स, और ठीक है अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, हमें मेरा ख्याल है 4000 के हिसाब से एक कमरा मिला, मुझे नहीं पता, वो बासम को पता है, वो बासम से पूछ के बताऊंगा। बाकी ये है कि अच्छी मज़ेदार जगह है और कोई शोर नहीं है, बाज़ार से थोड़ा दूर है, जो नथिया गली का मेन बाज़ार है, अभी मैं मैप्स पे चेक कर रहा था, वो यहाँ से 16 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो मतलब काफ़ी दूर है, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है जो कि हम चाह रहे थे, रश वाली जगह पे आपको पता है फिर मज़ा भी नहीं आता, और आप सुकून करने बेसिकली ऐसी जगहों पे आते हैं और रश वाली जगह पे सुकून नहीं कर पाते, तो अभी हम जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, रास्ते में बहुत इन्जॉय करते हैं, गाने गाते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं, तो आपको पता है फिर गला बैठ जाता होता है, और पूरे रास्ते में भैया मार्केक्स ने जो मज़ा करवाया आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब अंदाज़ा हो रहा है कि भैया मार्केक्स जो है वो पैसे पूरे कर गई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी पैसे पूरे करेगी, कुछ काम इसके हैं जो इंशाल्लाह हम जल्द करवाएंगे। फ़िलहाल ये है कि यार भूख लगी हुई है, अभी कुछ खाने को देखते हैं हमने यहीं से खाना है या कहीं बाहर जाके खाना खाना है। हम लोग पहुँच चुके हैं नथिया गली बाज़ार और यहाँ पे थोड़ी बहुत रौनक है, और इतनी रौनक है कि यार वो काबिले बर्दाश्त है, वो नहीं कि फुल जैम पैक हुआ हो, मज़ेदार सीन्स हैं यहाँ पे इस वक्त। यार मैं पूछा अगर हम बाहर से खाएंगे तो हम खाएंगे क्या? कढ़ाई वगैरह ही खाएंगे और क्या? चिकन ही कर दी, क्या हो गया? पटाखा रोस्ट खाएं, वो सामने लिखा हुआ है, मैंने भी वो क्या चीज़ है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ताज होटल जो कि सिचुएटेड है नथिया गली बाजार में, और रूफ टॉप पे हम मौजूद है, बड़ी प्यारी सेटिंग है, बड़े मजे की सेटिंग है, और मौसम की बताऊँ तो यार मौसम थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा सर्दी नहीं है यहाँ पे, मतलब एक जैकेट पहनी हुई है और नीचे हाफ स्लीव शर्ट है, तो मेरा गुजारा हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा खास ठंड नहीं लग रही। टेम्परेचर जो है यहाँ पे 16 है, दिन के टाइम 20-25 होता है, और ठीक है गुड वेदर है। यहाँ पे मेन बाजार नथिया गली का नज़र आ रहा है, नीचे खड़ी मार्केक्स नज़र आ रही है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी तो भैया यही इन्जॉयमेंट है, ट्रिप पर आया हूँ मैं, मार्केक्स को इन्जॉय कर रहा हूँ, सुकून कर रहा हूँ, और साथ इन्जॉयमेंट है दोस्तों के साथ, यही है मेरा छोटा सा ट्रिप, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, वर्कशॉप के धक्के खा के, और मार्केट्स ने जलील भी किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एंजॉय भी करवा रही है, मज़ा भी करवा रही है आपके सामने यार, माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा, बस बड़ी मेहरबानी आपकी, माशाल्लाह ज़रूरी है, ठीक है लालो के साथ अच्छी वली होगी ना, इसके साथ ना हो जाए, अगला ट्रिप लालो पे मारते हैं यार। गुड यार ब्रो, मुझे येलो शेड चाहिए। तूने बाकी लेनी है, अभी तफरी कर रहा है, लेकिन फ्रेम टेढ़ा, ये पता नहीं इसको क्या शौक पड़ा है, अचानक इसको शौक पड़ा है सनग्लासेस का। वैसे यार बहुत बहुत प्यारी लग रही है यार, बहुत प्यारी लग रही है यार, यार बहुत प्यारी लग रही है, बस सीरियस है ना, वो बढ़िया आप बताएं ऐसी लग रही है ना, ले ली चल, एक हो गई, एक क्या कितनी दर्जन लेनी है, चाहिए ना मैं आपको वो 2F2F कार्ड लेके देता हूँ, ये कल आप बहुत भगा रहे थे, ये 2F2F कार्ड, वैसे बाकी गाड़ी में कार्ड नंबर 1 है, गाड़ी में फेंगे लेची है,
इधर डबल टेप लगा के ना, वही ये तो डबल, वही वो डबल साइड है, ये उल्टेगी नहीं कभी। वही फोर व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव गुड यार। अच्छा आपने $1 शॉप देखी होगी, ये $2 शॉप है, हर चीज 200 की है, लेकिन डॉलर भी 200 का है, अभी याद आया मुझे। बहुत तफरी कर ली है बासम, चल चले, ठंड हो रही है। बासम लंबी ना कर यार, बड़ा खुश फिर रहा है, सनग्लासेस ले ली है, नथिया गली में शॉपिंग कर ली है, दो कुत्ते खरीद लिए हैं, ऐसे हम पांच लेकिन अब सात हो गए। भैया लाहौर में तो ऐसा मौसम नसीब होता नहीं है, अब नथिया गली आए हैं और मीठी मीठी सी ठंड है, साथ हॉट चॉकलेट, और क्या चाहिए जी। तो बॉयज़ इस वक्त सुबह के कहले या रात के कहले 3 बज रहे हैं और बड़े मज़े की वाइब है, तो इस व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भी को याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक और इंस्टा पर फॉलो भी, बाय बाय। ताज पटाखा, ताज पटाखा पकता है, फाउल हो गया, फाउल हो गया, पटाखा पटाखा, ठीक है पटाखा नहीं है यार, पटाखा है यार। भैया ये कितने का जी सर? ये कितने का? ये 1200 का सर। ओए नहीं, वो शक्ल ही महंगा लग रहा है, महंगा नहीं ये, वो इसकी शक्ल बड़ी अजीब है, ये देखो भाई, वो पीछे से नहीं लगी है, देख नहीं, ज़बान बाहर कटी है, पानी पे आया नहीं, आंखें नहीं स्ट्रेच हुई सही से, अहमद आइसक्रीम खा रहे हो भाई? लाहौर में तो ऐसा मौसम नसीब, अगला बेहोश यार, रुक जा उसका देख।